हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो पैनल पे चल रही है। अभी नो पिक्चर कंडीशन में हमारे पास पैनल है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो पैनल है वो किस कंडीशन में है। और अभी मैंने इसको यहाँ पर पावर दे देता हूँ, और पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी जो ये मेरा सेट है वो ऑन हो गया है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल नो पिक्चर की कंडीशन में है, यानी कि इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं है, कोई स्लो मोशन नहीं है, कोई लाइनिंग बार नहीं है, यानी कि बिल्कुल ये क्या है, नो पिक्चर। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर हमारे पास पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में आता है तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है कि जो हमारे पैनल की बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं। क्योंकि पैनल के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी वोल्टेज मिसिंग होती है तो कई तरीके की पिक्चर हमारे को एबनॉर्मल पिक्चर दिखाई देती है, नो पिक्चर भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पैनल में क्या प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पिन को मैं ग्राउंड कर देता हूँ और एक से चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर जो वोल्टेज है वो दिखाता हूँ। जो हमारी वोल्टेज है वो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल प्रेजेंट है, जो कि हमारी इनपुट वोल्टेज है, यानी कि पैनल जो है हमारा कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का पैनल है। ठीक है, अब ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो ज़्यादातर पैनलों के अंदर क्या होता है, डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाती है, यानी कि ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये सीधी डीसी टू डीसी आईसी में जाती है। और डीसी टू डीसी आईसी में होता क्या है, एक बक कन्वर्टर होता है जो कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो ये डीसी टू डीसी आईसी है, इसका जो बक कन्वर्टर है वो बिल्कुल बाहर लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर कंबाइंड नहीं है। ये जो डीसी टू डीसी आईसी है हमारी, अगर देखते हैं तो डीसी टू डीसी आईसी तक आपका वोल्टेज ही नहीं पहुँच रहा होगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। और भी अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे डीसी टू डीसी आईसी तक कोई वोल्टेज नहीं है, मिली वोल्ट में हमारे को दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पूरा चेक करते हैं तो कंप्लीट चेक करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे पीएफ दिखाई दे रहे हैं, किसी भी पीएफ पे हमारे को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और जब तक हमारी डीसी टू डीसी आईसी की इनपुट वोल्टेज नहीं होगी तब तक हमारा डीसी टू डीसी आईसी काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। अभी क्या है कि ये जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी है वो इसके अंदर 3.3 वोल्ट की डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। ज़्यादातर आपने देखा होगा 5 वोल्ट की होती है और 12 वोल्ट की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 वोल्ट की डीसी टू डीसी आईसी कंपनी ने यूज़ किया। अब इसको 3 वोल्ट की सप्लाई देगा कौन? तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये 12 वोल्ट तो हमारा इनपुट हो रहा है, तो ये 12 वोल्ट हमारा इस फ्यूज़ के अंदर आ गया। और इस फ्यूज़ से अगर हम देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई जो है फ्यूज़ से होती भी हमारे किस में जाएगी, बक कन्वर्टर में जाएगी। तो अगर हम बक कन्वर्टर की इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सप्लाई ये जा रही पिन नंबर 2 पर, यानी कि यहाँ से अगर आप ट्रैक पूरा देखेंगे तो कम्प्लीट हमारे को यहाँ पर ट्रैक दिखाई दे रहा है। मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा ट्रैक दिखाई दे रहा है। पिन नंबर 2 पे ये जो सप्लाई है जा रही है और 12 वोल्ट हमारे को यहाँ पे प्रेजेंट मिल रहा है। अभी अगर हम देखते हैं कि ये जो बक कन्वर्टर है इसके पास में जो कॉइल लगी हुई है, तो कॉइल पर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो कॉइल पर हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, 0.62 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे को मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। अब 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे देते हैं तभी हमारा ये पैनल काम करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 3.3 वोल्ट की सप्लाई आपकी कहाँ जाएगी, डीसी टू डीसी आईसी में जाएगी, साथ में कहाँ जाएगी, रोम आईसी में, साथ में कहाँ जाएगी, टीकोन आईसी में। तो जब ये सारी वोल्टेज हमारी, जब सभी आईसियाँ ऑन होगी तभी हमारा पैनल काम करना चालू करेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर 3.3 वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम पावर ऑफ करके और इसको हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं अलग से 3.3 वोल्ट देके ट्राई करेंगे कि किस कंडीशन में अभी
क्या रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये जो बक कन्वर्टर है इसको हम रिमूव कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रिमूव नहीं करते तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर बक कन्वर्टर ख़राब है तो उसको रिमूव कर देना। रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, एक ट्वीज़र चाहिए। एक ट्वीज़र लेकर आओ, ये हमारे पास चिमटी है, ये पेस्ट है, और पेस्ट का हल्का हल्का सा हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखो। अभी क्या करते हैं, हम आईसी को रिमूव कर लेते हैं। ये हमने आईसी को रिमूव कर लिया, ठीक है ना। आईसी को रिमूव करके साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये बक कन्वर्टर आता है मार्केट में, अवेलेबल है, 1235 इसका नंबर है, CA 1235, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है CA 1235। तो इसको अगर हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, कितना वोल्ट देंगे, 12 वोल्ट, और इससे लेंगे 3.3 वोल्टेज आउटपुट। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कई सारे पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है 3.3 वोल्ट का पॉइंट, इस पॉइंट को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ हमारे को 3.3 वोल्टेज आउटपुट देगा। करके देखते हैं, चलो। ये हम 3 वोल्ट के पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं बक कन्वर्टर के। ठीक है, अभी करना क्या है कि हमारे को इसको 12 वोल्ट पे जोड़ना है। तो उस वायर को हम छील लेते हैं, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों को भी पेस्ट लगा के आपको काम करना है। सबसे मेन काम है फिनिशिंग से करना, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में जोड़ते हैं। तो पॉजिटिव सप्लाई जो है हमारी इस पिन पे आ रही है, तो यहाँ पे पिन पे जोड़ देता हूँ मैं सीधा। और नेगेटिव को हम नेगेटिव से जोड़ देते हैं, कहीं पे भी हम नेगेटिव दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम साइड में से ले लेते हैं इसका नेगेटिव LVDS कनेक्टर से, तो ये हमने ले लिया। अभी हमारे को आउटपुट जोड़ना है, तो आउटपुट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर लगा के चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट ओके है या नहीं है। कई बार क्या होता है, अगर बक कन्वर्टर ख़राब हुआ और ज़्यादा वोल्टेज निकल गई तो डीसी टू डीसी आईसी भी आपकी ख़राब हो सकती है, साथ में टीकॉन आईसी भी जाएगी और रोम आईसी भी जाएगी। उस कंडीशन में क्या है, बॉन्डिंग मशीन से ही काम होगा फिर, ठीक है ना। हाँ, स्केलर चेंज करना पड़ेगा, तो उससे बचना है तो पहले हमारे को क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। अभी क्या करते हैं, हम पावर ऑन करते हैं और यहाँ पे पहले वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी 3.3 वोल्ट बिल्कुल प्रेजेंट है या नहीं है, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने पावर लगा दिया, पावर लगाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे को कितना वोल्ट मिल रहा है। अभी सेट ऑन नहीं हुआ है, सेट ऑन होगा तो यहाँ पे आप ये देखो कितना वोल्टेज आ गया, 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ओके, ठीक है ना। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है इसकी पिन नंबर 3 से आउट हो रही है और हमारे कॉइल में जा रही है, तो हम इसको ऑफ कर लेते हैं और पिन नंबर 3 से इसको जोड़ देते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप डेटा शीट रीड कर सकते हो इसकी। डेटा शीट रीड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन सी पिन इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। तो ये हमने जोड़ दिए इनपुट और आउटपुट।
तो अभी हम पावर लगा के चेक करते हैं, पावर लगाने के बाद क्या कंडीशन रहती है हमारे सेट की। फिर से हम पावर देते हैं बोर्ड को, और बोर्ड को पावर देने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है या नहीं बनती। यहाँ पे देखो 3.3 वोल्ट ओके है, यानी कि कॉइल पे 3.3 वोल्टेज आ गया। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे डीसी टू डीसी आईसी में जाएगी, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये एबीडीडी सप्लाई है, ठीक है ना। तो एबीडीडी के लिए हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, कॉइल लगी हुई है। अगर हम डायोड पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, यानी 12 वोल्ट ही हमारा इनपुट वाला नहीं है, ये एबीडीडी सप्लाई है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम और वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को ये देखो क्या वोल्टेज मिल रहा है, वीजीएल वोल्टेज कितना मिल रहा है, -5 वोल्ट मिल गया। और वीकॉम वोल्टेज देखते हैं, 5 वोल्ट ओके है। और भी देख लेते हैं हम, ठीक है, वीजीएच वोल्टेज देखते हैं, मेन वीजीएच वोल्टेज होती है, तो 30 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी सप्लाइयाँ ओके हो चुकी हैं। अभी पैनल की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। तो पैनल आप यहाँ पे देख सकते हो, पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, हल्की सी लाइन है वो कॉफ की दिक्कत है। तो इस तरीके से पैनल को रिपेयर किया जाता है दोस्तों। अगर आप भी सीक्वेंस से काम करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।